तो वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आशा का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि एक आशा है जिनका अभी भी ज्वाइन हुआ है, उन्होंने कमेंट किया है कि मैं एक नई आशा हूँ, या उनके हस्बैंड ने किया है कि मैं अभी नया हूँ, मुझे सभी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए। तो कार्य तो हजारों हैं, तो सारे के बारे में मैं डिटेल तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में मैं डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त एमआरके और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने आशा सहायता समूह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल बटन में क्लिक मार करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहला जो कार्य होता है वो हर महीने होता है, जो कि है आपका आशा दिवस। आशा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है और जिसका रिपोर्ट मासिक कार्य में भेजा जाता है, सिर्फ टिक मारना पड़ता है। दूसरा कार्य होता है जो हर महीना आपका होता है, वो है आपका टीकाकरण। टीकाकरण के अंदर आपको रिपोर्ट भेजना पड़ता है, जितने भी लोगों को आप सुई लगाते हैं पर का 10-10 रुपया मिलता है सभी लाभार्थियों का, जिसका रिपोर्ट आपको मासिक कार्य के अंदर डालना पड़ता है जितने को आप सुई लगाते हैं। उसके बाद उसमें आता है खसरे का, जिसके लिए आपको 100 रुपया मिलता है, 9 महीने से 12 महीने के बीच में आता है। टीकाकरण के अंतर्गत आता है 16 से 24 माह के बच्चों को अगर आप टीका लगवाते हैं, उसका आपको 75 रुपया पर बच्चे पे मिलता है। उसके बाद आता है 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अगर आप टीका लगवाते हैं, उसके लिए 50 रुपया पर बच्चे पे मिलता है। उसके बाद यदि आपका टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जिस महीने में टीटी सेकंड कंप्लीट हो जाता है 100 रुपया उसका मिलता है। उसका टीटी बूस्टर का लगवाने का 100 रुपया मिलता है। उसके बाद 4 जांच आपका जिस महीने में कंप्लीट होता है गर्भवतियों का, उसका 100 रुपया मिलता है। उसके बाद IFA कोर्स, मतलब आयरन फॉलिक एसिड का जो टेबलेट आप खिलवाते हैं, उसका आपको 100 रुपया मिलता है। ये हुआ आपका टीकाकरण का। अगला जो कार्य होता है वो होता है आपका प्रसव का। प्रसव का मात्र अगर आपका प्रसव हॉस्पिटल में होता है तो BCG लगवाने का 300 रुपया मिलता है, उसका रिपोर्ट आपको अश्विन एप में भेजना पड़ता है। और घर में हो गया या फिर घर में होने के बाद आप टीकाकरण के दिन आप BCG लगवाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बच्चा होता है तो उसका 1 रुपया नहीं मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके बाद जो कार्य आता है चौथा कार्य, वो होता है आपका ऑपरेशन का। आप ऑपरेशन करवाते हैं पर गर्भवती का, मतलब ऑपरेशन करवाने का या फिर पर लाभार्थियों का, गर्भवती तो होती नहीं है, वो तो प्रेग्नेंट होती है तब होती है, पर लाभार्थी का आपको 300 रुपया भी दिया जाता है और 400 रुपया भी दिया जाता है। और 2 बच्चे वाली अगर औरत का आप ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके लिए 1000 रुपया भी दिया जाता है। उसका अलग अलग पॉलिसी है, उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, सिर्फ आपको जानकारी देता हूँ कि ऑपरेशन का इतना इतना रुपया बनता है। उसके बाद जो आता है अगर आपका ट्रेनिंग होता है तो उसका पैसा अश्विन ऐप के द्वारा हटा दिया गया, पहले था आपका डायरेक्ट उसका पैसा हॉस्पिटल के द्वारा मिलता है, जिसे प्रशिक्षण कहा जाता है। उसके बाद आता है अगर हर महीने आपका या फिर 2 महीने या 3 महीने बाद अगर पोलियो होता है तो पोलियो का 100 रुपया पर डे का मिलता है, जिसका रिपोर्ट अश्विन ऐप में नहीं भेजना पड़ता, उसका रिपोर्ट का पैसा मतलब अलग से आपका सुपरवाइजर हॉस्पिटल के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो कार्य आता है वो होता है आपका विटामिन ए का। विटामिन ए का रिपोर्ट भेजने का है, टीकाकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो कार्य आता है ORS बांटने का, उसके बाद क्या कहते हैं IRS छिड़काव का, और भी बहुत सारे कार्य हैं। TB का अगर आप कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, उसका सर्वे करते हैं, पेशेंट ढूंढते हैं, उसका पैसा अलग से है। कुष्ठ रोग कर आप रिपोर्ट भेजते हैं, उसका सर्वे करते हैं, उसको आप पूरा कोर्स के मुताबिक दवाई खिलवाते हैं, उसका अलग से पैसा है आपका। अश्विन के मैं ऑप्शन भी दिया उसका रिपोर्ट भेजने का। उसके बाद हर महीने ड्यूली सर्वे दंपत्ति और भी मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र वाला जो ड्यूली सर्वे एक दिया हुआ रहता है, एक रजिस्टर होता है, उसको आप अपडेट करते हैं, उसका 300-300 रुपया पर मंथ दिया जाता है आपका। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसके बारे में जानकारी, जैसे आप घर का दौरा हर महीना भरते हैं, उस पर 250-250 रुपया पर बच्चे पे दिया जाता है। तो यदि आप किसी को हॉस्पिटल में ले आकर के अंतरा का इंजेक्शन लगवाते हैं या कॉपर्टी लगवाते हैं, उसका भी अलग से पैसा है, उसके बारे में भी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका भी आप वीडियो देख करके तरीका जान सकते हैं कितना रुपया है, पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो आता है बच्चों का, अगर कम वजन वाले बच्चे अगर हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, उसको डिस्चार्ज करता है, उसका ग्रे
भेंट भरना पड़ता है, उसका अलग से पैसा है। उसके बाद अगर किसी औरत को एनीमिया की बीमारी होती है, उसका आप जांच उच करते हैं, उसका अलग से पैसा है। अगर 0 से 5 वर्ष के बीच में कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसका आप एक फॉर्म भर करके, आपको दिया हुआ रहता है एक रजिस्टर, उसका एक फॉर्म भर करके हॉस्पिटल में जमा करते हैं और BCM को सूचना देते हैं, उसका अलग से पैसा है। और 15 साल से 49 साल के बीच में अगर कोई औरत मर जाती है, कोई लड़की मर जाती है, तो उसका रिपोर्ट आप हॉस्पिटल में देते हैं, उसका अलग से पैसा है। तो ये सब डिटेल है, और भी बहुत सारे कार्य हैं, तो उसके बारे में मैं सारा जानकारी नहीं दे सकता। ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्य थे जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था। यदि और भी किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।